बोला मौर्या, ठीक है मौर्या बोलते बोलते तू ही मर जाता। मोहित जी, ऋतुराज जी, हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं। नमस्कार, क्या बात कर रहे हैं? मैं ऋतुराज मोहंती और ये मेरे साथ हैं आपके प्यारे, मेरे भी प्यारे पानी वाला मोहित गौर। तो अरे आई होप कि, हाँ यस, आई होप कि गणपति तो चल रहा है और इस बॉम्बे में काफी सारा बारिश में हम भी मजा लूट रहे हैं, आप लोग भी मजा लूटे होंगे गणपति का। तो शुरुआत क्यों ना गणपति से हो जाए। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो दो लाइन गाना चाहूंगा। गणनायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। गणपति बाप्पा मोरिया। सो आई होप कि आप मजे लूट रहे होंगे गणपति का। तो हम भी आए हैं आज पहली बार, तो बहुत ही एक्साइटेड हैं आप लोगों से बात करने के लिए। फेसबुक ऑफिस, हाँ कब आएंगे कब आएंगे, चलो फाइनली वो घड़ी आ चुका है। तो मोहित जी, आप बेंगलुरु गए थे, रुक जाओ अभी प्लीज इसको थोड़ा बंद कर दीजिए हम। अरे नहीं नहीं, इसमें अपन कमेंट्स देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है ये। ओके हाँ, तो अभी मलिक ने हूँ। देखो देखो तुमको अभी कैसा है, हमको तुम सब यहाँ पर दिख रहे हो अभी कमेंट सेक्शन में। तो अनीश शर्मा कह रहे हैं हे ऋतुराज, तुमको हाय कहे। देखो हाय अंकिता कपूर, हाय हाय शुभम पांडे, इट्स टू गुड, प्रशस्ति पाठक, निशी बीजीटी, ऑसम ऋतुराज, थैंक यू निशी, हे निकिता गुहे, निकिता हाय, प्रगति हाय, कोमल गुप्ता हाय, आई लव यू टू, आहा सत्यजीत, अरे सत्यजीत 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 अपने ओडिशा से जो प्लेबैक सिंगर है। नहीं हाँ वही तो है सत्यजीत, वो नहीं है, नहीं जो भी है सत्यजीत तो है। हाँ हाय सत्यजीत, अरे वाह रिंकी प्रमिला केशरी गरिया, वाव ऋतुराज लव यू मोहित और ऋतुराज माय फेवरेट, थैंक यू प्रमिला, थैंक यू सोनम गुप्ता, मलिक ने हूँ, ललित चौसाली, समृद्धि जैन, सुहेल खान, आश्ले आश, ऋतुराज वी लव यू, ओडिशा रा ना रोशन कर लिया, थैंक यू आश्ले भाई, क्या बात है आश्ले भाई है या बहने आश्ले आश्ले हाँ, तो बैंगलोर गया था। हाँ अपना उड़िया एसोसिएशन में भी पिछले साल गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक एनर्जी आ जाता है। तो तेरे को कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, मजा आया ना? बहुत ज्यादा। और अभी मतलब देखो सबसे शानदार बात पता है क्या चल रही है, कि अभी मैं और ऋतुराज फेसबुक ऑफिस से लाइव है। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं होता, पर ये देखो ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, हम फेसबुक ऑफिस से लाइव है। सच में देखो हर बार लाइव चैट कैसे होती है, मतलब ऐसे फोन को और हम लोगों को बेसिकली बहुत सालों के मतलब 3-4 साल हो गया रॉस्टार में, ऑल एक्सेस वगैरह करते थे, मजा मस्ती ढेर सार चलता था, वो बंगलो याद है ना। तू कैन पकड़ के, मुझे कैन पकड़ के, तो वो सब बातें याद आ जाते हैं। तो कुछ हो जाए फिर आपके वॉइस से कुछ सुना दो यार, आपका वो कपकेक है सुना दीजिए प्लीज। कपकेक, यस ठीक है। तो कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी से आवाज दूं, जिस कसम के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कप केक है। तो आपको इसी बात पे ये मिलता है, थैंक यू। तो और इसी बात पे मैं रिएक्ट करूंगा कैसे, मेरे जा को अच्छा सा आना चाहिए यार। हाँ सब तो अच्छा, थैंक यू। तो मोहित, और एक बात है बताना, नया क्या अभी चल रहा है आने वाले दिनों में? अरे अभी नया बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर अभी ऋतु मेरे को ऐसा इच्छा कर रही है, मतलब अभी ये बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, देख मेरे लिए मेरे लिए, तो एक बार सबका अपन देख लेते कैसे कैसे क्या हुआ है। आई राजा महाला, आई लव यू बोथ, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू शिल्पा, सनी भाई, हाय ब्रो सनी भाई, हाय,
परिचय रॉय कह रहे हैं हाय गाइस रॉ स्टार्स आर बैक। यस इसे कहते हैं रॉ स्टार। रॉ स्टार मुन्ने बासनेट कह रहे हैं वाव मोहित सोनाली राठी निकिता गुहे एशले एंड मी आर वाचिंग टुगेदर शी इज लाइक जंपिंग जापान जंपिंग जापान। अर्जुन भाई तो अभी ना कैसा है रॉकस्टार आप सब ना आप सब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अभी ये समझ लो कि यहाँ पे दो एंकर और दो सिंगर बैठे हुए हैं ऋतुराज मोहंती और मोहित। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ऋतुराज के बारे में मेरे से पूछ सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से पूछूंगा और मेरे बारे में कुछ पूछना है तो ऋतुराज से पूछ सकते हो। ऋतुराज यहाँ पर है आपका जवाब देने के लिए आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अरे श्रीकांत भारद्वाज का है। श्रीकांत भारद्वाज मेरा एमिटी मतलब कॉलेज जो है ना मेरा श्रीकांत मैं बीटेक बायोटेक कर रहा था और वो एमटेक कर रहा था तो मेरे से मतलब अलग कोर्स में था पर मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है। श्रीकांत कह रहा है हे मोहित एंड ऋतुराज भाई फाइनली यू गाइस रीच्ड एट फेसबुक ऑफिस हैप्पी टू सी यू देयर हैप्पी टू सी। थैंक यू यार श्रीकांत हम भी पता है मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी अभी यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है बताओ। नहीं हो ही रहा है सब कुछ हो ही रहा है भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाइटें लगी हुई यहाँ पे हम गोरे चिट्टे दिख रहे होंगे। अभी एक गाना मैंने स्टार भारत की आई थिंक तूने देखा होगा मत कर बिल्कुल। तो मेरा जर्नी के बारे में तू जानता है जो मेरा गॉडफादर राम संपत सर हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ एक मत कर राग करके का है नया स्टार भारत का नया चैनल आ रहा है तो उसका प्रमोशनल सॉन्ग आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा अभी तू मत कर दो लाइन अभी तू मत कर अरे तू मत कर तू पछताएगा फिर इसकी धंधा ये मांगलिक है बड़े पंगा अगर तुझको रहना चंगा बस अभी मत कर मत कर बस अभी मत कर मत कर मत कर मत कर। ये था कुछ मेलोडी जो कि जाने वो क्या होता है एडिट कट पे हाँ। तो बहुत सारे चीजें अभी अभी कर रहा हूँ मैं एंड बहुत सारे अपकमिंग भी अभी चालू है जैसे सिंगल्स तुम लोग तो यार बना लिए मेरा सिंगल ज्यादा नहीं बना है ना तो मैं बता देना चाहता हूं प्लेबैक और क्या चाहिए तुझे तेरा कोई तेरा फेवरेट प्लेबैक सॉन्ग सुना दे रे तू। यस अधूरी जिंदगी हिमेश जी के साथ जो पहली बार गाया था तेरा ये उपजा है तुझसे मेरी अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल दिल अकेला है बड़ा क्यों रहूं मैं तन्हा एगन ये एक जो है तुझसे मेरी अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल ये मेरा फेवरेट है। एंड एक बर्न टू रन में एक गाना गाया था बुधिया सिंह जो कि मनोज वाजपेयी जी कोच बने थे ये उड़ीसा की स्टोरी है बेसिकली। एक बुधिया करके बच्चा था जो अपना मैराथन जो होता है तो कितने घंटे में कितना दूरी तक वो तय किया था बहुत ही छोटा बच्चा तो उसके ऊपर एक गाना था तू दौड़ दौड़ सुना पो धन पो वो भी मेरा फेवरेट है बहुत सारा काफी सारा क्योंकि जो भी गाना होता है आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हम लोग कैसा कहते कि अपना काम अच्छा हो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे और है ना स्टार तो आप ही वजह से हम लोग हैं। एक बार वो गाना में सुनाना सन्ना पुआ दौड़ दौड़ ऐसा अरे बस तूने सुना भी बस नहीं तो तू सुनाएगा अभी तो छोटे छोटे कदमों से नाप दुनिया सारी छोटी हर मुश्किल है छोटी छोटी हर दूरी कदमों की थप 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 तू धड़के दिल धक धक तू दौड़ 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 तेरे पांव पे नीचे है सड़क मेरे सुन्ना पुआ दौड़ दौड़ मेरे गेल्हा पुआ धोना पुआ दौड़ दौड़ रे सुन्ना पुआ का मतलब क्या सुना पुआ जैसे सुना समझता है सुना देख उड़िया हिंदी में मैं समझता हूँ सोना हिंदी में तो उड़िया में सुना बोलते हैं पुआ मीन्स लाडला बच्चा होता है तो मेरा सोने का बच्चा और गेल्हा पुआ मतलब वही है अभी मम्मी जब लाड़ प्यार करता है तो वो सबका प्यारा बन गया था और अभी भी प्यारा है और आई होप कि वो बहुत ही ऊपर जाए जो सपना है उसका वो पूरा कर पाए। काफ़ी सारी चीज़ें हो गया था कि उसको बैन भी कर देगा कि सरकार बहुत ही सारा जो स्कीम है निकालते हैं कि भाई इतना छोटा बच्चा को आप ऐसा लेकिन उसका सपना था
और कोई गलत इंटेंशन पे जो आगे नहीं बढ़ा रहे थे उसको. सो इसीलिए उसको सब प्यार करते हैं और वो एक शान है उड़ीसा का एक्चुअली. यस सो चलो आई होप कि मैंने कभी मतलब सोचा था कि जब मैं उड़ीसा में था ना, मैं सोचा था कि यार इसके ऊपर ना एक दिन फिल्म बनना चाहिए और इसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए. और देख यार भगवान अभी बड़ा तो वही है ना जो दिन रात करता है. तो भाई गॉड उसके ऊपर फिल्म भी बना और सौमेंद्र पाढ़ी उनका डायरेक्टर जो वो भी उड़ीसा के हैं, कोड रेड प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन, तो उन्होंने बनाया भी है और काफ़ी सारे अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला. तो मेरा सपना सत्य हुआ. तो जय जगन्नाथ. तो और कुछ आप बताओ यार आपके बारे में. मुझे तो ये बात बढ़िया लगी कि यार तू तो आता नहीं घर पे बुला बुला के, आप तो फोन ही नहीं उठाते. अच्छा। तो ध्यान में है ना, तो आया करो कभी कभार यार घर पे बैठते हैं थोड़ा बातें करते हैं. अच्छा सुन और एक बात, गाड़ी आ गया मेरा फाइनली यार. बता दूं दोस्त लोगों को कि फाइनली कितना साल हो गया रॉस्टर? 3 साल. हाँ 3 साल में भक्त जनों बता रहा हूँ, 3 साल के बाद फाइनली आई गॉट माई कार. वेरी एक्साइटेड, लेकिन गाड़ी तो सीखा नहीं था तो अभी मैं गाड़ी सीख रहा हूँ और एक क्लास बाकी है बस, फिर हम गाड़ी पे आना जाना चलेगा. तो अभी तेरा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया क्या हुआ? नहीं रे, लाइसेंस अभी लर्निंग आ जाएगा 12 तारीख तक और जो जो प्रोसेस है मैं कर रहा हूँ और आगे फिर गाड़ी घूमने जाएंगे लोनावला, क्योंकि मैंने इसको पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि जब भी ये गाड़ी चलाना सीख जाएगा ना फिर हम दोनों जाएंगे राइड पे, लंबी राइड पे. लंबी राइड मतलब वही लोनावला साइड. तो अभी इसने ना एक और बात भी बोली कि है ना मतलब वो घर पे आने की, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इसके घर जाना मतलब अपनी हैबिट सी है, ऐसा नहीं है जब और जब मैं पता कब जाता हूं कभी कभार. नहीं हम बिजी सब रहते हैं लेकिन क्या होता है ना कभी कभार मोहित मैं मिस करता हूँ ना, या तो मैं कॉमेडी देखता हूँ या तो गाना सुनता हूँ या रॉस्टार फुल एक्सेस वाला भी ऑल एक्सेस है मेरे पास, मैं तभी भी देखता हूँ याद कर लेता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार देख के खुश हो. अब जीता जाते आप तो हो सामने मेरे आसपास ही रहते हो तो आया करो कभी कभार मजे करेंगे. और तुम्हें पता है ऋतुराज ना दाल चावल कड़ी चावल इतने इतने शानदार बनाता है ना, मैंने इसके हाथ के कड़ी चावल खाई थी और शुक्रिया. वो ओडिया स्टाइल की कड़ी बनाता है, ये बहुत अच्छा कुक भी है. और इसके घर पे मैं जब जाता हूँ ना मैं थोड़ा सा क्या लालची हो जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे को खीर पूरी तो खिलाएगा ही खिलाएगा तभी मैं बना के खिलाया भी इसको खीर पूरी. और बाकी रहा आप तो खाते नहीं हो, शुद्ध शाकाहारी हो ना, नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, कभी ट्राई करियो. अरे यार अभी देख अभी कितने सारे लोगों के हाँ जी, सॉरी हम लोग बातों में उलझ गए. अंकिता हाय मोहित, दर्शन को लेकर आना था ना. अरे दर्शन अभी बिजी है ना इसलिए नहीं ला पाए, इसलिए नहीं ला पाए, सॉरी यार नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे. निकिता गोई कह रही यू बोथ आर सुपर्ब, ऋतु भैया लव यू, चीनू लव यू यार, लव यू टू. दीपांशु आ रहे कह रहे ऋतु भाई गलिया सॉन्ग सुना दो. अरे हाँ यार मुझे गलिया गाया नहीं यार, ये गाने से पहले ही मैं ऐसे कर देता हूँ जो मेरा उस टाइम रिएक्शन था जब पहली बार सुना था गलिया, ये दो रिएक्शन थे मेरा रॉक स्टार में. ऐसा था कि मेरा जो इंटेंशन था जो स्ट्रगल था ना उसी पे पछाड़ देना था एक ही गाने में. तो मेरा इंटेंशन यही था कि ऐसा गाऊं कोई ना गा पाए. और आज तक कोई नहीं गा पाया है वैसा. नहीं 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 बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जो ओरिजिनल श्रेय जो जिसको जाता है अंकित तिवारी, वो अपना बड़ा भाई है, उन्हीं का कंपोजिशन है. तो थैंक यू अंकित तिवारी भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना अच्छा गाना दिया जो कि मैं इतना अच्छा. और इसके पीछे बहुत सारे लोग थे, आपको पता है मोहित कि कितना स्ट्रगल और कितना मेहनत लगा था इस गाने के पीछे, कि कोई भी थॉट नहीं आ रहा है, कोई गाना नहीं आ रहा है, क्या होगा इसका जो स्टोरी है या तो स्टोरी पे क्या मैच करेगा. देन अपना जिंदगी में सचिन गुप्ता है जो म्यूजिक डायरेक्टर सचिन गुप्ता, तो उन्होंने सजाया था. तो गाना चाहूंगा तेरी गलियों में रोता हूँ, तेरी गलियों में सोता हूँ, गलियां 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 तेरी गलियां, तेरी गलियां 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 तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां. इस पे क्या था ना दर्द था, कितने सालों का स्ट्रगल था ना. तो हम ना सब क्रिएटिव टीम्स होता है, बहुत सारे चीजें एक आर्टिस्ट को पीछे जो होते हैं, तो ये सब स्टोरी ये करके मेरे स्टाइल में और मेरा जितना सारा दुख है वो इंटेंशन वही तो था परफॉर्मेंस के जरिए मैंने आप लोगों को दिखाया. और थैंक यू सो मच कि आपने वो गाने को इतना तराशा
इतना नवाजा, इतना प्यार दिया। अभी जिधर भी जाता हूँ आप लोगों का आता है कि भाई गलियां गा दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फिर से एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ये मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, शानदार। तो मोहित एक बात बता। बताना। बीच में जयपुर गया था, घर का काम वाम भी चल रहा था, सब कंप्लीट हो गया। सब शानदार हो गया, सब ऑल सेट। और सबसे बढ़िया बात कि अभी जब घर का मतलब वर्क चल रहा था ना घर में, मतलब कुछ चीजें हो रही थी, मम्मी को अपने हिसाब से घर चाहिए था, तो मम्मी कहती थी हमेशा मेरे को ये चीज नहीं पसंद है, तो अभी मेरे को ये करवानी है। तो फाइनली मम्मी ने सारी इच्छाएं अपनी एक बॉक्स में कलेक्ट करी और उनको खोल दिया, ये करना है मुझे अपने घर में। तो फिर वो सब करते टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई थी। 12th में 2017 एक सॉन्ग अपन ने लॉन्च किया था जिसका नाम है ओ मामा माय बेबी। हाँ, तो मैंने तो देखा था। हाँ, और तूने बहुत ही प्यारा वो वॉइस नोट भी भेजा था उसके बाद में, जो मैंने मम्मी को सुनाया था और मम्मी इतनी खुश हुई थी ना यार, मतलब यार तुम तो इमोशनल मत हो। अरे यार तू अभी तुम कहाँ जाते हो यार? अरे तुम और कुछ अच्छा खासा गाना सुना यार, वो सुना मैं, मेरा बहुत फेवरेट है। कौन सा? पुकार तू, वो मुझे इतना पसंद है ना। ओ बस यार रुक जा, गा दे मैं पहले से पकड़ लेता हूँ, रुक जा एक मिनट। अच्छा ठीक है, वो ना हकीकत में जैसे आया है ना मिक्सिंग और मास्टरिंग के बाद, मतलब डबिंग होता है, फिर मिक्सिंग होता है, मास्टरिंग होता है, तो हकीकत में जो आता है ना, वो जो फील है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो वो एकदम फर्स्ट क्लास का वॉइस में गा दे एक बार। okay. हाँ यस, पहले तो रेडी है। इस इश्क में पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मतलब हाँ, प्लीज। एक चीज की मुझे हमेशा से लगता है कि जैसे एक सॉन्ग है, तो सॉन्ग जिसने गाया है उसकी आवाज होती है, और जो सॉन्ग में फीचर करता है उसका फेस होता है। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप सब जानते तो हैं कि ये मतलब मेरा गाना है, या मैंने मेरा नाम आपको ध्यान रहता होगा, पर ये गाने की रूह जो सोल थी ना, वो कुणाल भैया और रैपरिया बालम भैया, ये दो इस गाने के लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो इन दोनों का म्यूजिक, इन दोनों की कॉम्पोजिशन, इन दोनों के लिरिक्स थे, और संजना शर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट था, उनकी पूरी टीम ने इसको साथ में इम्प्लीमेंट किया था। तो ये गाना मुझसे ज्यादा उन सब का है, मैं तो इसमें सिर्फ मेरी आवाज और मतलब एक्ट करने की कोशिश करी। एक्टिंग क्या किया आपने? अरे यार, अरे माशाल्लाह। सुना लो अभी। तो कैसा है गाना? इसका ये फेवरेट पैराग्राफ है मेरा इस सॉन्ग का। इस इश्क में मैं हूं नया, आकर मुझे सलीके सिखा, बहता रहूं तेरी मौज में, तू सांसों के सफीने चला, कश्ती में पतवार तू आले चल सुपार, तू तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, सुधार तू। ये जो कॉर्ड्स आता है ना, ये तो खा जाती है, और ये पता है जब इसका इस गाने पर वर्क चल रहा था ना, तो ओरिजिनली इस गाने का ये वाली लाइन सिर्फ ऐसी थी कि मतलब फिर तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हले हले थोड़ा सा सुधार तू, तो यही इसी का वेरिएशन था, मतलब इस मेजर टाइप की मतलब हैप्पी सी फील का ये वेरिएशन था। बाद में कुणाल भैया और अपर्या बालम ने जब ये गाना रिकॉर्ड करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें कुछ अलग होना चाहिए, तो उन्होंने ये स्पेशली ऐड किया था, ये फंडेशन बढ़िया, और तो आपके लिए ये मैंने दे दिया। थैंक यू। अब दबाओ। अरे सेम ये रिएक्शंस आ रहे हैं अभी। वही मेरे से ही गया वो। अच्छा, तो यहाँ से यही सेम रिएक्शंस अभी ट्रांसफर हो गए, लाइक और दिल का। और मलिक नेहू कह रही है तेरी जैसी मैं बन जाऊंगी, टीना शेखात कह रही है सुपर सुपर, थैंक यू रिमझिम, रिमझिम कह रही है मोहित यू आर ऑसम, मोहित ही का कमेंट आया, मोहित बंसल का वगैरह सुपर ब्रो, साइकात कह भी कह रही है हाय साइकात, साइकात रिया चौधरी हॉले हॉले रिप्लाई भी कर दो।
हले हले रिप्लाई कर दो अभी, कमेंट देखा ना रिया पता, इसलिए कर पाए रिप्लाई. एंजल त्रिवेदी कह रहे हैं योर वॉइस इज सो अट्रैक्टिव एंड यू ऑल्सो, थैंक यू एंजल. सनी दिवाकर हे कह रहे हैं, हे सनी. अब ऋतु, ऋतु वर्मा का कमेंट आया है हार्ट का, तो ऋतु वर्मा यहाँ पे ऋतु भी बैठे हुए हैं, उनसे आप कुछ भी कहना चाहते हो. कोई उड़िया गाना भी. अरे श्रद्धांजलि सागर, ऋतु सर हाय श्रद्धांजलि. अरे हाँ उड़िया, उड़िया गाऊंगा. उड़िया अपन दोनों गाएंगे फिर वो तो. हाँ तो मेरे साथ एक एक लाइन गाना, एक एक वो वाला जो जो मेरे को भी आता है, जो उड़िया का सबसे फेवरेट सॉन्ग है मेरा, बड़ा हिट है, हिट है. नहीं अपन बोलेंगे नहीं, अपन बोलेंगे नहीं, अपन बस गाएंगे. ठीक है, गाएंगे. ओके सरप्राइज आप सबके लिए. 3 2 1 एंड एक्शन. रंगबत्ती রঙবতী রঙবতী কোন কলতা হসিব দেখ কথা. আরে রঙবতী রঙবতী কোন কলতা হসিব দেখ কথা. হলাজে লাজে 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 হলাজে লাজে গোলাজে লাজে 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 লই যাউচি মাথা গো লাই করো অথা. হে লাজে লাজে লই যাউচি মাথা গো লাই করো অথা. স্বপন রাজা স্বপন ইয়াদেশকো স্বপন রাজা স্বপন রানী তলে সুতা মালে হেলা নগুথা রঙ্গবতী রঙ্গবতী. আরে ইয়ার ये गाना ना मैंने जब ऋतु को सबसे पहली बार रॉस्टार पे गाते सुना था ना, जब इसने आंटी जी और इसका मैशअप किया था, ये गाना मैंने लाइफ में सबसे पहली बार तब सुना था. और मैं तब से ये गाने का स्टोरी बता रहा हूँ. हाँ तूने पहली बार सुना था. एंड प्रदीप हमारा जो दोस्त है प्रदीप सिंह सरा, वो भी बहुत बार गाता था इसको. फिर मेरे दिमाग में आया कोक स्टूडियो राम सर के यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि भाई गाना कुछ एक्स्ट्रा अभी फ्यूजन वगैरह सब होता रहता है. तो देन फिर मेरे दिमाग में आया सोना मैडम, सोना महापात्र जी ऐसे सब बैठे हुए थे. तो मैंने बोला मैम आपका वो रंगोबती मैंने गा दिया है, मैं चाहता हूँ कि इसको ना रीअरेंजमेंट करके अच्छी तरीके से एक स्टाइल बैंड पूरा फ्यूजन करके उसको हम पेश करेंगे कोक स्टूडियो में. देन देखा जाएगा. और उसका म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. देन मैंने एंथम भी शुरू किया था, वंदे उत्कल जननी, अपना उड़ीसा को उत्कल भूमि बोलते हैं. सो एंथम तो जब वो प्रोडक्शन निकल के आया और नतीजा आपके सामने, बहुत ही ज्यादा प्यार मिला और गाना हिट भी हुआ सुपर हिट. तो यस, तो उसको नेशनल अवार्ड भी मिला ये गाने को, जो प्रॉपर सिंगर हैं गुंतिया साहब. तो उसके बाद गाना कहीं कहीं क्या होता है कि पुराने जो चीजें हैं वो अपने आप में स्टार होते हैं, लेकिन लोग इतना नया जनरेशन चेंज हो रहा है, तू तो जानता है कि यार अभी किशोरदा को हम भूल नहीं सकते, हमारा बच्चे भी और उसके बच्चे भी याद रखेंगे, लेकिन जो चीजें उन्होंने बना दिया है ना वो अपने आप में स्टार हैं, लेकिन उसको आप कितने तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और कितना. तो इसीलिए मैं ना यार सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ. कोई भी गाना हो हम रिमेक कर सकते हैं, हम सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी गाना होना सोच समझ के करना पड़ता है, बिकॉज हम उन्हीं लोगों को देख देख के उनसे ही आए हैं. मतलब नाना नानी होंगे हिसाब के, मतलब बहुत ही समझ रहा है ना गुरु लेवल का. तो उनको ये नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है, उनका जो काम है अच्छी तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए. अभी भी मेरे को कहीं कहीं ऐसा लगता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे गाने हैं रीमेक हुआ है पुराने गाने, मुझे अच्छा नहीं लगता है दिल से. कहीं ना कहीं लगता है कि यार क्या हो गया यार, क्यों ऐसा हो रहा है. वो अपने अपने स्टार है वो गाना ऑलरेडी, हम क्या ज्यादा जताएंगे. अगर जताएंगे तो अच्छी तरह से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हाथ नहीं देंगे. क्योंकि अब सामने अगर भगवान खड़े हो जाए तो इंसान मर ही जाएगा ना. हाँ. क्योंकि वो भगवान को हमेशा मांगता रहता है कि भाई ये दे दो वो दे दो, सब इंसान है. तो मैं इसलिए नहीं. तो वो रंगोबती अपने आप में स्टार था. हाँ. उसका कोक स्टूडियो एक बहाना था. हाँ. जो कि हम अच्छी तरह से पेश कर सकते थे. हाँ. और आई थिंक यार राम संपत वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा फाड़ू रहता है उनका, और उन्होंने अच्छी तरह से पेश करवाया, दैट्स व्हाई वो हिट हुआ. तो रंगोबती का स्टोरी ऐसा है, बहुत ही प्यारी. और जी सॉरी हम लोग, रंजन कुमार कह रहे हैं लाइक योर ऑल सॉन्ग्स मोस्टली तेरी गलियां. थैंक यू रंजन भाई, थैंक यू. नेहा चौहान कह रही है राजस्थानी सॉन्ग भी अच्छा गा ले. हाँ चौधरी
लेकिन मैं गा नहीं सकता बिकॉज लिरिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप सुना दीजिए प्लीज फटाफट। चलिए ठीक है चौधरी, मुझे ऐसे करना नहीं, इस बार अपन दोनों कर सकते, पप्पू दे सकूं यार, मुझे ऐसे करना नहीं, मेरा मुझे नहीं काट दिया अभी तो हल्क। ये गाने से पहले आप लोगों को बता दूं, मोहित जब भी रॉ स्टार में आया था, हमारा मॉक शूट चल रहा था, तो इसने एक्सप्रेशन के साथ जो गाया था अपना, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर गजेंद्र सिंह, तो उनके ऑफिस में बैठे होते मोहित ये चाहिए वो चाहिए आप चाहिए, लेकिन आप चाहिए तो मोहित तो कहीं उन्हें ज्यादा किया था, तो वो एक्सप्रेशन के साथ एक बार मैंने पता क्या सोचा कैसा हूं हल्क छुप ना जावो जी, रमन दीद करावो जी, अज क्यों तरसावे हो, रमन सकल दिखावो जी, तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मरस ले वो न पंगा जी मैं के लगे रे, मर हिबड़ा में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे, झूम 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 झूम, मर हिबड़ा में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी रे, मन दामन में बांधी खुशी रे, झूम 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 झूम। इसको रोस्टर में तुम्हें गया था ना, और क्या लग रहा था एक्चुअली क्या होता है अपना जो आप लोगों को अभी तो सब कुछ जान गए हैं लोग, इतना आगे बढ़ चुका है क्योंकि अपना क्या है अपना इंडोर का शूटिंग चला था रिलायंस स्टूडियो में, तो उसका साउंड और क्लैरिटी इतना अच्छा लग रहा था ना तेरे वॉइस में, वो जो चौधरी और ब्रीथलेस भी तूने कोशिश किया था, और जो एक्ट चल रहा था अपना एलईडी में वो भी बहुत, और उसके लिए ब्रीथलेस को ही जो मिला तो मुझे ऐसा लगा था, तो वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा सॉन्ग है, अरे उसको अटेम करना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन आपने कर लिया, आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन मजे नहीं ले रहा यार, सही में यार मैं क्यों मजे लूंगा, जो है हकीकत है, तूने बहुत अच्छी तरह से निभाया और मैं चाहता था, और तेरे को सपना जो कितना डांटा था ना उसके वजह, अरे यार हम लोग थक जाते थे एक्चुअली काम करते करते, तो वो ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है और शोज में हमेशा ऐसा होता है दौड़ भाग, तो और सबसे पता है इंटरेस्टिंग बात मुझे इससे याद आई, रॉ स्टार की अगर बात करें हम, तो मतलब रॉ स्टार का मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग फेजेस में से एक लगता है ना, वो था जब फेस ऑफ शुरू हुए थे, मतलब तब इतना एकदम से पंप आता था ना, कि मतलब आपको ऑन स्पॉट आपको 5 मिनट्स दिए जाते थे कुछ प्रिपेयर करने के लिए, और आपको गाना पड़ता था, तो वो बहुत ही अमेजिंग सा था। और मेरे को एक इसके कैसे फेस ऑफ हुए, ऋतुराज ऐसा था शो में कि ऋतुराज से अगर तुमने फेस ऑफ कर लिया ना, यू आर डेड, मतलब कोई चांस नहीं है कि ऋतुराज के साथ तुमने फेस ऑफ कर लिया और तुम जीत के आ पाओ, तो ऋतुराज का ऐसा मतलब कहर था मतलब रॉ स्टार में। लेकिन सबसे मेरे को मेमोरेबल ऐसा था कि जब मेरा इसके साथ फेस ऑफ हुआ था ना उस सॉन्ग में, जब तुमने गाया था नादान परिंदे और मैंने गाया था एक तारा, वो अच्छा कैसे बाकी सारे फेस ऑफ होते हैं ना, तो उनमें कैसा होता है कि जैसे इसको होता है कि ये जीते, मेरे को था ना मेरा फेस ऑफ मैं जीतूं, पर जब मेरा इसके साथ हम दोनों का एक दूसरे साथ फेस ऑफ हुआ था ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये मेरा हमेशा से भाई था, मतलब शुरुआत जब मैं पहली बार ऋतुराज से मिला था ना, मेरे को याद है ये ऐसे छोटी सी पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के क्रीम कलर का और माला वाला ऐसे टांग के पूरा रुद्राक्ष वगैरह ऐसा हाथ में पहन के लंबे वाले इसके खुले हुए, और एकदम से आता है बोलना शुरू करता है अपने बारे में ऐसा ऐसा, और मैं यशराज स्टूडियो के बाहर में एक चाचा से मिला, मैं चाचा ने मुझे सर कहा, तो मैंने कहा कि सर क्यों कहते हो चाचा मेरे को, आप ना ऋतुराज बोलो मैं आपका मतलब आप इसने बहुत सारी चीजें बोली, और मुझे पहले दिन से ऐसा लगा यार ये बंदा है कौन यार, सच बताऊं मोहित सच अभी भी कोई सर बुलाता है ना तो मुझे यू नो गिल्टी फील होता है कि इतना बुरा तो नहीं हुए, हम जवान है अभी लाखों काम करना है नाम कमाना है भाई, तो इसीलिए सर नहीं बोला भाई बोला, या तो नाम पकड़ के ऋतुराज घर में ऑब्वियसली यार दोस्त लोग भी ऋतु बुलाते हैं कभी कभार, तू भी तो यार ऋतु बुलाता है यार, तो ऐसे बिंदास रहने का सर फॉर्मेलिटी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तेरी इसी बात से इस
पहले दिन से ही मैंने मतलब मान लिया था कि यार ये तो बंदा मतलब मैं इसको जिंदगी भर साथ में रखूंगा, भले ही दोस्त हो भाई हो कैसे भी हो, लेकिन आजा ये तो मैं जिंदगी भर मैं साथ में रखूंगा। अरे सुनना तो फिर है ना, इसलिए जब हम दोनों का फेस ऑफ हुआ ना तो मेरे लिए कैसा था कि ये जीते मैं जीतूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को बस मेरे को इससे जीतने में मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि यार मोहित तुम अगर बोलते जाओगे ना ऐसे रात, मैं जानता था तुम रात कर लोगे, कोई तो बोल रहे हैं यार कुछ जवाब दो। हाँ, तुम जा तो क्रिनल मेरा इंग्लिश थोड़ा हाई फाई है ना तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मम्पी सोना ने बहुत सारे लंदन से है ना तू साले विम्बली स्टेडियम से मलिक ने वो कह रहे तुझे देखा तो ये जाना स्वीटू कपकेक होता है इतना प्यारा स्वीटू, तेरी स्माइल से दूर जाए कहाँ, तेरी लाइव चैट में कैसे ना आए हम। इसने मतलब पूरा गाने गाकर सेंड किया, मैंने उसको बोल दिया सॉरी मुझे पता नहीं था। हर्षिता पसारी लाखों निगाह में गा दो एक बार। प्रशस्ति पाठक कह रही है भाग मिलकर सुना दो। अच्छा सुरजीत कह रहे हैं भैया सुपर, और अर्जुन रॉक कह रहे दर्शन भाई के बारे में कुछ। अरे अर्जुन मेरे भाई दर्शन ना बहुत बिजी है एक्चुअली, एंड हमारा ना अरे मोहित मेरे को तो जाना है यार। हाँ तो अभी टाइम अप हो चुका है लेकिन यार अभी सब जाना पड़ेगा रिली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए हमारे तरफ से जो 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 भेज रहे हैं गुस्सा वाला हटा दो। मैं ये वाला स्माइल है आप सबके लिए कैसा, ये रोने वाला नहीं को पीछे रख दो, रोने वाला इसलिए क्योंकि अभी जाना पड़ रहा है। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हाँ और तो कि आपका मोरिया खुश रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हम दोनों को। बाय बाय।